हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में हम कार्मिक प्रशासन के टॉपिक को देख रहे थे। कार्मिक प्रशासन में आज हम संघ और प्रबंधन संबंध अपने इस लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। और आज ये हमारा कार्मिक प्रशासन का लास्ट और छठा लेक्चर है। इससे पहले के 5 लेक्चर्स में हम कार्मिक प्रशासन के बाकी टॉपिक भर्ती, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, प्रमोशन, वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन, इन चारों टॉपिक्स को डिटेल में देख चुके हैं। आज ये हमारा छठा और लास्ट लेक्चर है कार्मिक प्रशासन का। इसके बाद के लेक्चर में हम वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे। इसको हम आने वाले 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक वित्तीय प्रशासन थोड़ा बड़ा है, इसमें 5-6 लेक्चर हो सकते हैं। बाकी इसको हम 2-3 लेक्चर में ही कवर कर लेंगे, ICT इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, संघ और प्रबंधन संबंध, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। सरकारी तंत्र को सुचारू रूप से कुशलता के साथ चलाने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका और लोक सेवक के बीच यथोचित और सद्भावपूर्ण संबंधों को का भारी महत्व है। राजनीतिक कार्यपालिका अपनी शक्ति समय समय पर होने वाले चुनावों की प्रक्रिया के द्वारा जनता से प्राप्त करती है और संवैधानिक स्थिति के कारण उसका प्रयोग करती है। दूसरी ओर लोक सेवक का चयन उसकी योग्यता के आधार पर होता है और उसको अपनी शक्ति प्रशासनिक पदों एवं तकनीकी विशेषज्ञता दोनों से प्राप्त होती है। जनता की प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित जनतांत्रिक सरकार में लोक सेवक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन होते हैं। यानी कि लोक सेवक किसके अधीन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिशियंस के अधीन होते हैं। जो पहले पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंटेशन करते हैं पब्लिक का, उनके अधीन होते हैं। पीटर सेल्फ के अनुसार राजनीतिक कार्यकारियों और लोक सेवकों के बीच परस्पर क्रिया कुछ विशेष रूपों में होती है। यह रूप भागीदारी के 2 समूहों की विशिष्ट शैलियों तथा हितों का परिणाम होते हैं। उन्होंने दोनों के बीच या पीटर सेल्फ ने दोनों के बीच परस्पर क्रिया के 4 क्षेत्र बताए हैं। पहला है नीति निर्माण का क्षेत्र, दूसरा है हितों की मध्यस्थता, तीसरा है व्यक्तिगत और स्थानीय दावों का उपचार, और लास्ट चौथा है राजनीतिक उत्तरदायित्व तथा प्रशासनिक विवेक के बीच संतुलन। अब राजनीतिक कार्यपालिका और लोक सेवक के परस्पर संबंध तटस्थता, न्यूट्रलिटी और अनामिकता, एनोनिमिटी के 2 सिद्धांतों से नियंत्रित होते हैं। तो पहला हम देखते हैं तटस्थता, न्यूट्रलिटी। इसका अर्थ है राजनीतिक निष्पक्षता, यानी कि पॉलिटिकल अनबायस्डनेस, या लोक सेवा की गैर राजनीतिक प्रकृति। पब्लिक सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना हो, यानी कि पॉलिटिकल किसी पार्टी या पॉलिटिशियंस के किसी फेवर में ना हो, अर्थात लोक सेवकों को गैर राजनीतिक रहकर और विभिन्न सत्ताधारी सरकारों के बिना स्वतंत्र और स्पष्ट सलाह देनी चाहिए। लोक सेवकों को वस्तुनिष्ठ, शांत, अराजनीतिक और निष्पक्ष व व्यावसायिक प्रशासक होना चाहिए, जो अपना काम कुशलता, ईमानदारी, निष्ठा, निपुणता और समर्पण के साथ करता हो। अगला है मोहित भट्टाचार्य के अनुसार तटस्थता का अर्थ एक प्रकार का राजनीतिक बाध्यकरण, ये बाध्यकरण में स्पेलिंग गलत है, बाध्यकरण या बाध्यकरण था, अर्थात राजनीति के प्रवाह में परिवर्तनों से नौकरशाही का अप्रभावित रहना। राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन स्वयं को समय की राजनीति से अलग रखते हुए नौकरशाह राजनीतिक मालिक को बिना चूके तकनीकी सलाह देता रहेगा। यानी कि कोई सी भी पार्टी सत्ता में हो, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का एक टाइम पीरियड होता है निश्चित, ये उसके बाद ही रिटायर होते हैं। तो इनको किसी भी पार्टी को लेकर बायस नहीं होना है, होना चाहिए, और इन्हें समय समय पर तकनीकी और जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में सलाह देना चाहिए पॉलिटिशियंस को। आरबी जैन के अनुसार राजनीतिक तटस्थता का अर्थ केवल राजनीतिक गतिविधियों या लोक सेवा कि किसी सदस्य की ओर से राजनीतिक पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह भी है कि सरकार का राजनीतिक रूप रंग कुछ भी हो, नौकरशाही सरकार की इच्छा के अनुसार ही चलेगी। आरबी जैन थोड़ा इनका मोहित भट्टाचार्य के आर्गुमेंट्स, तर्क को के अगेंस्ट जाते हुए कहते हैं कि नौकरशाही का मकसद ही यही है कि किसी की जिसकी पार्टी होगी पॉलिटिशियंस को उनके अनुसार ही काम करना है। ग्रेट ब्रिटेन में तटस्थता की अवधारणा, लोक सेवा की तटस्थता अवधारणा एक परंपरा है जिसका विकास ब्रिटेन में हुआ।
वास्तव में तटस्थता का विचार ब्रिटिश लोक सेवा की कार्य पद्धति का लगभग दूसरा नाम बन गया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अर्ल एटली ने इसे जनतंत्र जनतंत्र का सबसे शक्तिशाली दुर्ग माना था। लोक सेवा में तटस्थता की इस परंपरागत अवधारणा की नींव लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर गठित मास्टरमैन कमेटी की रिपोर्ट 1949 में रखी गई थी। जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको रट लेना है। इस रिपोर्ट में कहा गया था, ब्रिटिश प्रशासक की जिस विशिष्टता को मान्यता मिली है और एक विशेष गुण के रूप में जिसकी प्रशंसा की गई है, वह उसकी राजनीतिक निष्पक्षता और अपने सार्वजनिक पथ पर राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त उसका मस्तिष्क है। एस लाल ने तटस्थता की ब्रिटिश अवधारणा के घटकों की निम्न सूचना दी है। पहली, सभी राजनीतिक पूर्वाग्रहों से लोक सेवकों की मुक्ति से में जनता का विश्वास। दूसरा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में क्यों ना हो, लोक सेवकों से निष्ठावान सेवा प्राप्त करने के मामले में मंत्री का विश्वास। तीसरा है, कर्मचारियों का ऊंचा मनोबल, जो कि इस विश्वास पर आधारित है कि पदोन्नतियां या अन्य पुरस्कार राजनीतिक कारणों या पक्षपातपूर्ण गतिविधियों से नहीं बल्कि योग्यता से हासिल होते हैं। मास्टरमैन कमेटी ने कहा था कि राजनीतिक निष्पक्षता की वर्तमान परंपरा में कोई कमजोरी राजनीतिक लोक सेवा के निर्माण की ओर पहला कदम होगी। इस तरह की व्यवस्था जनहित और लंबे समय में स्वयं लोक सेवा के विरुद्ध होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में तटस्थता की अवधारणा। अमेरिका में लोक सेवा की तटस्थता के विचार को हूवर आयोग ने निम्न प्रकार से सामने रखा। पहला, लोक सेवाओं को सभी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और राजनीति के मामले में अपनी तटस्थता को सुरक्षित रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि उनको प्रशासन की उन नीतियों के प्रति भावनात्मक लगाव से बचना चाहिए जिनको ना तो वे स्वीकार कर सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। उनको नए नेताओं के साथ मेल मिलाप से काम करना चाहिए। तीसरा, वरिष्ठ लोक सेवक आवश्यक रूप से उन राजनीतिक गतिविधियों से अलग रहेंगे जो निष्पक्ष रूप से सरकारी काम करने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या उनको व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक पार्टी या उसकी नीतियों के निकट लाती है। अगला है, चौथा, लोक सेवक को प्रेस में कोई भी सार्वजनिक या निजी वक्तव्य नहीं देने चाहिए सिवाय उनके जिनकी प्रकृति औपचारिक हो। उसे राजनीतिक या विवादास्पद सार्वजनिक भाषण नहीं देने चाहिए। अब राजनीतिक नौकरशाही, द पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। तटस्थ नौकरशाही की अवधारणा के कमजोर तथा अप्रभावित हो जाने के फलस्वरूप राजनीतिक नौकरशाही की मांग बढ़ गई। ओपी द्विवेदी और आरबी जैन ने राजनीतिक कृत नौकरशाही की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी नौकरशाही है जो किसी न किसी सीमा तक चेतन या अचेतन रूप से मुख्य धारा के राजनीतिक दल या दलों से जुड़ी या उनसे प्रभावित होती या प्रभावित करती है। यानी कि ये दोनों विचारक ओपी द्विवेदी और आरपी जैन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी से प्रभावित होते हैं या उनसे प्रभावित होने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं, चाहे ऐसे दल सत्ता में हो या विरोध में। द्विवेदी और जैन ने नौकरशाही के राजनीतिकरण की सीमा के अनुसार इनको निम्न चार वर्गों में बांटा है। पहला, अराजनीतिक नौकरशाही तटस्थ नौकरशाही के समान है जिसमें वो राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होती और गैर राजनीतिक बनी रहती है। अर्धराजनीतिक नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका के प्रभाव में रहती है और दलीय नीतियों के आधार पर काम करती है। कार्मिक प्रशासन के मामलों में दल का हस्तक्षेप सीमित होता है। प्रतिबद्ध नौकरशाही सत्ताधारी राजनीतिक दल की नीतियों और कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध होती है। राजनीतिक गतिविधियों में लोक सेवक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कार्मिक प्रशासन के भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति जैसे मामलों में दल का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। अगला है, पूर्णतया राजनीतिक नौकरशाही स्वयं को शासक दल की विचारधारा के साथ जोड़ती है और इसके हितों की सेवा करती है। यह पूर्व सोवियत संघ जैसे एक दलीय सर्वसत्तावादी राज्यों में होती है। कार्मिक प्रशासन के मामलों में दल का असीमित और पूर्ण दखल होता है। वास्तव में राज्य नौकरशाही और दलीय नौकरशाही के ढांचे एक दूसरे पर अधिव्याप्त रहते हैं। अनामिकता, एनोनिमिटी। अनामिकता का अर्थ है कि लोक सेवक को दोष या प्रशंसा की परवाह किए बिना पर्दे के पीछे से काम करते रहना चाहिए। किसी भी तरह के उसको एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन के बिना उसको अपना सारे कामों को अंजाम देते रहना चाहिए। मोहित भट्टाचार्य के अनुसार अनामिकता का अर्थ है कि लोक सेवक को राजनीतिज्ञों को केवल पीछे से सलाह देगा और राजनीति के उन्माद के सामने आने से बचा रहेगा।
अनामिकता का मानदंड अपेक्षा करता है कि मंत्री के अधीन कार्यरत लोक सेवक के कार्यों का जवाब संसद में मंत्री को देना है और इस प्रकार सांसदों की आलोचना से उसका बचाव करना है। इसका अर्थ है कि उसके अधीन काम कर रहे लोक सेवकों के सभी सही गलत कार्यों की पूरी जिम्मेदारी मंत्री की होती है। मंत्री अपना मंत्रालय या विभाग चलाता है और उसकी गतिविधियों के लिए वो राजनीतिक तौर पर उत्तरदायी है। उसका मुख्य सरोकार नीति से है और नीति संबंधी निर्णयों पर वो अपने सचिव से सलाह लेता है। कार्य पद्धति का निर्धारण मंत्री करता है। नीति के अच्छे और बुरे परिणामों के लिए संसद में जवाबदेह केवल मंत्री होता है, ना कि सचिव, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स उसके लिए जवाबदेह नहीं होते हैं। अतः अनामिकता का मानदंड मंत्रीय उत्तरदायित्व का प्रतिरूप है। अर्थात अनामिकता का सिद्धांत मंत्रीय उत्तरदायित्व के साथ साथ चलता है। भारत और ब्रिटेन ने सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी सिस्टम है इंडिया और ब्रिटेन में। इसका आधारभूत सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, यानी कि मंत्रिपरिषद, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति मंत्रियों का। यह सिद्धांत कहता है कि अपने कार्यों और नीतियों के लिए कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। अतः मंत्रालय या विभाग के प्रत्येक गलत या सही कार्यों के लिए मंत्री को संसद में उत्तर देना होगा और अपने अधीन काम कर रहे लोक सेवक को संसद में की आलोचना से बचाना होगा। अनामिकता का सिद्धांत लोक सेवक को कानूनी या उचित कार्यों के मामले में लागू होता है, गैर कानूनी और अनुचित कार्यों के संबंध में नहीं। दूसरे शब्दों में मंत्री को उस लोक सेवक का बचाव करना पड़ता है जिसने उसके निश्चित आदेशों को लागू किया है या मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार कार्य किया है। लेकिन मंत्री के लिए ऐसे लोक सेवकों के कार्यों का उत्तर देना जरूरी नहीं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए सत्ता के दुरुपयोग का या आपराधिक कार्यों या अन्य अनुचित या गैर कानूनी कार्यों का दोषी हो। इन तमाम मामलों में लोक सेवक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है और कानून के अंतर्गत उसे दोषी घोषित किया जा सकता है। अब लोक सेवा अनामिकता के मानदंड से शासित होती है, अतः ये संसद के प्रति नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। इसलिए मंत्री जोर देता है कि लोक सेवक की जवाबदेही उसके प्रति होगी। तटस्थता सिद्धांत की तरह आज के दौर में अनामिकता सिद्धांत को भी खंडित कर दिया गया है। भारत में लोक सेवकों के कार्यकलापों के लिए मंत्री के उत्तरदायित्व का प्रश्न सर्वप्रथम 1957 में मूंधड़ा कांड में सामने आया। इस मामले में राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम के 125 करोड़ रुपए एक निजी प्रतिष्ठान में शेयर खरीदने में खर्च कर दिए गए। जब यह मामला चिंता का विषय बन गया तो तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी और प्रधान वित्त सचिव एचएम पटेल ने एक दूसरे पर दोषारोपण किए। परिणाम स्वरूप 1958 में एमसी छांगला की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस रिपोर्ट में आयोग ने निर्णय दिया कि संवैधानिक रूप से मंत्री के सचिव द्वारा किए गए कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी है, क्योंकि मंत्री के ही ऑर्डर पर कोई भी सचिव या कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी तरह की नीति निर्माण करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम इन दो टॉपिक्स के जो हमारे बचे हैं, वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।